विकासखंड करतला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की विधानसभा वार तिरंगा गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। सन 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आजादी हीरक जयंती पर इसी दिन कांग्रेस पूरे देश में विधानसभा स्तर पर तिरंगा गौरव पद यात्रा की शुरुआत की है। बता दें कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा मेहंदी चौहान अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक बरपाली जिला कोरबा के द्वारा किया गया है। विधानसभा स्तर भारत गौरव पदयात्रा लबेद रामभाटा काशीरानी रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घाटा द्वारी में आरंभ हुआ। कार्यक्रम में जोसना महंत सांसद कोरबा पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर सतीश चौहान राहुल कंवर सरपंच सुनीता कंवर जनपद अध्यक्ष रीता पटेल सहयोगी कैमरामैन चित्रलेखा श्रीवास मौजूद थे। मैडम जो गौरव पत्र निकाली गई है आजादी का इसके संबंध में बताएंगे मैडम। गौरव यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए और ये आजादी हमारे बापू ने दिलाई नेहरू जी ने दिलाई और हमारे बहुत सारे नेताओं ने दिलाई जो सब हम लोग कांग्रेसी थे और ये शहीदों के खून से रंगी हुई माटी है जो जिसमें हम स्वतंत्र भारत में जो हम लोग अंग्रेजों से लगभग 100 वर्षों तक हम लोग लड़े हमारे पुरखे लड़े तब हमें ये आज़ादी मिली 1947 हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने लाल किले पर इसी तिरंगे को लहराया था जिस उसी तिरंगे को लेकर के हम देश में जा रहे हैं देश के कोने कोने में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि इनकी कुर्बानी याद करिए जिसने इनको आज़ादी दी और जिस भारत को उन्होंने आज़ादी दी वही भारत के लोगों को ये समझाया जा रहा है कि कांग्रेस भगाओ देश बचाओ और हम कह रहे हैं कांग्रेस लाओ देश बचाओ। क्यों? क्योंकि हमारा देश अब बिकाऊ हो रहा है ये हमको भगाना है और अपने देश में जो पहले हम स्वतंत्रता में जो हमने कहा जिस तरह से हमने 60 साल तक सुई से लेकर यहाँ पर एरोप्लेन और रॉकेट तक बनाए मोबाइल दिया दूरदर्शन दिया उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम देश के लिए जीते हैं हम देश के लिए मरते हैं वो हम कांग्रेसी हैं और हम 75 साल तक आपको यहाँ पर लाए हैं तो ये कांग्रेस की देन है जो स्वतंत्र भारत में हम सब सांसें ले रहे हैं यही बताना चाहिए। मैडम यहाँ घाटा द्वारी के जो विकास कार्य है जो अभी तक अपूर्ण पाया गया है कुछ महिलाओं का कहना है कि हम लोगों को साइकिल नहीं मिल पा रहा है स्वच्छता के बारे में के, तो इस संबंध में आपका कहना क्या है? देखिए ये शिकायत मेरे पास अभी आई है और आपके माध्यम से भी मुझे कुछ पता चला है क्योंकि यहाँ हमारा कांग्रेस का विधायक है। देखिए सबसे पहली बात ये कि सांसद यहाँ मंत्री यहाँ सब आप ही के क्षेत्र के हैं और सरकार भी कांग्रेस की तो यदि यहाँ का विधायक होता तो वो लड़ भिड़ के अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनी यहाँ पर विधानसभा को वो कुछ ना कुछ दिलाता। लेकिन यहाँ के हमने देखा कि यहाँ गलियाँ खराब हैं पानी है कीचड़ है लोग चल नहीं पा रहे हैं स्थिति यहाँ की अच्छी नहीं है तो इसका सहरा तो हम यहाँ के विधायक को ही देंगे ना। उनका काम है उनको मिलता है पैसा मिलता है सरकार देती है अब तो 4 करोड़ दे रही है उनको। हमको तो हमारे मोदी जी ने 3 सालों से हमारा फंड भी बंद कर दिया सांसद मत नहीं मिल रहा फिर भी हमारी सरकार ये काम को करने को तैयार है। यहाँ हम जो यहाँ की शिकायतें ले जा रहे हैं वो हम करवाएंगे। मैडम कांग्रेस की सरकार इतने सीधी कर रही है लेकिन अभी तक घाटा द्वारी में देखने को मिल रहा है।